सब मिलेगा zoomtv.in। हम लोगों का कद थोड़ा छोटा है लेकिन अदरवाइज हम लोग सब अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। वन ऑफ द स्ट्रगलिंग एक्टर्स इज ट्राइंग टू मेक इट बिग। बॉलीवुड में शाहरुख के कद और एक्टिंग की स्किल्स की बात क्यों आई ये तो हम आपको बता ही देंगे। पहले ये तो बता दें कि शाहरुख कब कहां और कैसे इंडस्ट्री में अपने कद और एक्टिंग का किस्सा छेड़ रहे हैं। दरअसल किंग खान पहुंचे थे छोटे पर्दे की खिचड़ी के बड़े पर्दे पर आने की खुशी में शामिल होने, जहां खिचड़ी द मूवी की स्टार कास्ट का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑनेस्टली गिना दी टेलीविजन की ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस। मैं टीवी में जब काम करता था कि मैं फिल्में ज्वाइन कर लूं, फिर फिल्में ज्वाइन की, फिर मालूम पड़ा टीवी इतना पेमेंट कर रहा है मेरा, फिर दिल है कि मैं टीवी वापस ज्वाइन कर लूं। शाहरुख ने टीवी में जाने की चाहत ही नहीं जताई बल्कि नॉस्टैल्जिक होकर पहुंच भी गए उन्हीं पुरानी यादों में जब उन्होंने छोटे पर्दे में अपनी एक्टिंग की जर्नी शुरू की थी। शाहरुख भी टीवी से शुरुआत की थी या लोग मुझे टीवी से ज्यादा जानने लगे थे, तो इसलिए इनका दिल में है कि चलो हमने टीवी से पहली फिल्म बनाई है तो शायद इसलिए ये मुझसे ज्यादा मिलना चाहते हैं। लेकिन अब शाहरुख की सक्सेसफुल जर्नी काफी आगे पहुंच गई है और उनके कॉम्पिटिटर्स भी पहुंच गए हैं काफी आगे। स्पेशली आमिर ने तो 3-3 बार ऑस्कर की दौड़ में शामिल होकर बाकी बॉलीवुड स्टार्स की बोलती बंद कर दी है। लेकिन किंग खान की बोलती बंद करने का दम शायद ही किसी में है, क्योंकि वो एक्टिंग को लेकर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड राय रखते हैं। मेरा कोई मुकाम या कोई ऐसा ओहदा या दर्जा नहीं है। आई थिंक हम सब लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे लकी हो जाते हैं और फिल्में चल जाती हैं या उनका जो काम है लोगों को अच्छा लगता है। सो विद ऑल जेन्युइन हार्ट आई से दिस कि मैं 20 साल से मुझे लगता है लोगों ने बहुत अच्छे लोगों ने मेरे साथ काम किया है। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई थिंक जब फिल्म आती है तो उसके हीरो का नाम ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी जितनी भी 70-75 फिल्में आई हैं, आई थिंक मेरी वजह से नहीं लेकिन नाम मेरा ज्यादा हो गया है। शायद इसीलिए जब पूरी टीम से ज्यादा किसी का नाम हो जाता है तो शाहरुख को ये बात पसंद नहीं आती और लगता है ये तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई किसी को गॉड ऑफ एक्टिंग मान ले। हेलो, आई वुड टॉक टू यू अबाउट गॉड ऑफ एक्टिंग। सिट। गॉड ऑफ एक्टिंग, because you know what is the next question, that who is the genius? I said Shahrukh, they've not printed that. God of acting के जिक्र पर करीना की leg pulling करके शायद शाहरुख यही साबित करना चाह रहे थे कि acting में सबका काम बराबर है, फिर चाहे medium कोई भी हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि theater या TV या film या street theater कोई भी ऐसा creative platform है जो किसी से कम है या बढ़कर है। आई थिंक एक्टिंग होती है, परफॉर्मेंसेस होती हैं, कैरेक्टराइजेशन बहुत खूबसूरत हर किसी का होता है। और खिचड़ी द मूवी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचकर शाहरुख ने ये साबित भी कर दिया कि वो एंटरटेनमेंट के सारे मीडियम्स को बराबर ही नहीं मानते बल्कि अभी भी उस ग्राउंड से स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं जो उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड के इस मकाम तक लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।